हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पार्टी वेयर मोबाइल पर्स लेकर आई हूँ। और ये मोबाइल पर्स आज हम कमर में लटकाने वाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रॉकेट कपड़ा लिया है और इसमें पीछे की तरफ फ्यूजिंग पेपर से इसको पेस्ट करके और एकदम सीधा कर लिया है, तो इससे इसकी लुकिंग अच्छी आएगी ये फ्यूजिंग पेपर लगाने से। ये जो फ्यूजिंग पेपर है, ये जहाँ पर बाकी सामान मिलता है, फॉल पिको का सामान मिलता है, धागे वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर आप मांगेंगे कि फ्यूजिंग पेपर चाहिए तो वो मीटर के हिसाब से आपको दे देंगे। तो ये एक तरफ से स्टिकी होता है और एक तरफ से प्लेन होता है, तो स्टिकी वाला पीछे में रख के और इसको प्रेस करके चिपका लेते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने तैयार किया है और इसका साइज़ है 6x19 इंच। ये हमने यहाँ पर साइज़ लिया है 6x19 इंच। और इसके साथ यहाँ पर एक लाइनिंग ली है, एक फोम सेम साइज़ में लिया है, सेम साइज़ में एक अस्तर भी लिया है। तो ये ब्लाउज़ वाला अस्तर है और इसकी जगह आप कोई भी जो अगर ठीक लगता है आपको कपड़ा तो भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके पीछे फोम रखेंगे और लाइनिंग को रखेंगे और बराबर से चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे। तो फोम और लाइनिंग थोड़ा सा बढ़ा के लिया है मैंने, जिससे कि इसमें चारों तरफ फिनिशिंग देने में आसानी रहे, क्योंकि ये हमारा एकदम फाइनल मेजरमेंट में ये कपड़ा हमने कट करके और इसको पेस्ट किया है। अब इसको हम चारों तरफ से सिल लेते हैं। और ये तीनों पीस को मैंने एकदम बारीकी से किनारे पर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया है और बहुत बारीकी से किनारे पर मशीन चलाकर इसको अटैच कर दिया है। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब पीछे के साइड में इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर 7.5 इंच किसी भी एक साइड से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस 7.5 इंच से इसको यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर ये फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा आ रहा है, इसको यहीं से एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर सेंटर निकालेंगे, 6 है, 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये जो लाइन खींची थी यहाँ से इस 3 इंच पर लाइन खींच देंगे। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद ये जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है इसको लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, सीधी तरफ से इस कपड़े को रखेंगे और जिधर ट्रायंगुलर शेप है उसके जस्ट अपोजिट साइड से सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें अभी सिलाई नहीं करनी है, यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए इसको पूरा पैक करना है और जो ट्रायंगुलर शेप दिया है इस पर मशीन चलाएंगे इस तरह से और यहाँ पर ला के ख़त्म करेंगे और डबल मशीन चला के ख़त्म करेंगे। तो इसको सिल देते हैं। इसको यहाँ ट्रायंगुलर शेप को हमने कट कर दिया, जितना एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे और इसके बाद अब इसको सीधा करेंगे। ऊपर का जो ट्रायंगुलर शेप है उसको भी पूरा अच्छे से बाहर कर लेंगे। ये हमारा ट्रायंगुलर शेप बाहर आ गया। अब इसको पूरा हाथ से प्रेस कर देंगे, इस तरह से पूरा बराबर बैठा देंगे। और अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगाया था इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसको यहाँ पर हल्का सा पहले हाथ से ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से 1/2 इंच या 1 इंच बस डाउन जाना है इस तरह से। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान देंगे
यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाते हुए यहाँ पर निशान देंगे और इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो एक मार्क यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया। अब इसमें हम मैग्नेट बटन लगाएंगे। तो मैग्नेट बटन कैसे लगाना है बताती हूँ। तो जो हल्का वाला पार्ट है ये हम ऊपर डालेंगे, ये आ गया। अब इसमें वॉशर लगा देंगे। ये हमने ऊपर की साइड में इसको लगा दिया, इसको वापस सीधा करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था उस पर ये दूसरा पार्ट लगा देंगे। अब ये मैग्नेट बटन हमारा लग चुका है। अब इसको यहाँ पर हम पैक कर देंगे, अंदर की तरफ हल्का सा मोड़ेंगे इस तरह से, और इसको बराबर से मोड़ते हुए पूरा पैक कर देंगे। ये हमने पैक कर दिया। अब यहाँ सीधी तरफ से एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे। ये इस तरह से तैयार हो गया। ये 7.5 इंच हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर बटन बंद हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए, यहाँ डबल मशीन चलाते हुए, यहाँ डबल मशीन चलाते हुए सीधा इसको पैक कर देंगे। और अब ये सिंगल कपड़े में लगा है तो इसको हमें ये मजबूती देने के लिए क्या करना होगा कि इसी कलर का धागा, सुई धागा ले लें। और यहाँ पर मैंने धागे में नॉट नहीं लगाई है, इसके नीचे से इसको अंदर डालें सुई को इसके अंदर से, और इस तरफ इतना महीन टांका लेना है कि दिखाई ना दे। और इसके अंदर से वापस इसको निकालते हुए यहाँ पर टक करें, इसके आसपास इसमें सिलाई नहीं दिखनी चाहिए इस तरह से। इधर से छोटा ही टांका लेना है। ये देखिए, यहाँ पर टांका नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने मैचिंग कलर का इस्तेमाल किया है और बहुत छोटा सा टांका लिया है, और यहाँ पर कपड़े को हमने टक कर दिया है। तो ये कपड़े के साथ जो बटन लग जाता है तो इसमें मजबूती और बढ़ जाती है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे और इस तरह से ये दिखाई भी नहीं देगा और ये मजबूती का काम हो गया। क्योंकि जब हम बटन खोलते बंद करते हैं तो ये कपड़ा अलग खींचता है, अलग आता है, तो ये यहाँ पर कमज़ोर होकर फटने लगता है और मैग्नेट बटन निकल आता है। तो इस तरह से इसको अगर टक कर दिया जाए कपड़े के साथ तो वो मजबूती पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला काम, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले लें, इसमें थोड़ा सा धागा निकाल लें, इसको कट करें, इसको बीचों बीच में से बांध दें बराबर से रखते हुए। वैसे टाइट नॉट देने के बाद दूसरा सिरा बाहर ही रखें, इसको इस तरह से रखें कि ये हमको बाद में मिल जाए। अब इसको यहाँ पर हम पकड़ के अच्छे से रैप कर देंगे पूरे धागे को टाइटली, और ये जो धागा छोड़ा था छोटा वाला इसके साथ इसको नॉट कर देंगे। तो ये हमारी एक टसल तैयार हो जाएगी।
अब इसको तैयार करने के बाद जो हमने ये मैचिंग वाला धागा लिया था इसको लेंगे। यहाँ पर इसको टक करेंगे मजबूती के साथ। और थोड़े से बीड्स लेंगे, तो बीड्स आपके पसंद के ऊपर हैं, जितने डालना चाहें। ये हमने बीड्स डाल लिए, ये देखिए इस तरह से ये बीड्स पड़ गए। अब ये जो टसल है इसको यहाँ सेंटर में जो बांधा था पहले वहाँ पर इसको अच्छे से टक करते हुए खींचते हुए, धागे में और इसमें दूरी नहीं होनी चाहिए, दो तीन बार रैप करके इसको यहाँ पर टक कर दें, नॉट दे दें अच्छे से। और फिर इसी मोती के अंदर से सुई को वापस इधर दो तीन मोती के ऊपर से लाएं, सुई को वापस निकाल लें और धागा कट कर दें। ये हमारी टसल तैयार हो गई। नीचे से थोड़ा फिनिशिंग के लिए कट कर देते हैं। ये इस तरह से रेडी हो गई। अब इसके बाद इस तरह से कीरिंग लेंगे। ये कीरिंग आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और इसमें से जो ये इसका जो छल्ला है पहले जिसमें कीज डालते हैं इसको हम निकाल देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सेंटर मार्क लेंगे ऊपर की साइड में बिल्कुल, ये हमने यहाँ पर सेंटर मार्क ले लिया है। अब फिर नीडल थ्रेड लेंगे और बीच अंदर की तरफ से यहाँ से जो इस तरफ हमने निशान लगाया है इस तरफ नीडल को निकालेंगे। अब यहाँ पर पहले इसको हम दो बार टक कर लेंगे, नीचे से पूरा लानी है नीडल को जिससे यहाँ पर ये मजबूती आ जाए। मैचिंग का ही धागा लें, ज़्यादा सफाई आएगी। अब इस रिंग को ये जो उल्टा पार्ट है मुड़ा हुआ इसको हम इधर रखेंगे, इस तरह से नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है। अब इसको यहाँ पर हम टक कर देंगे जहाँ पर वो हमने टांके लगाए थे, ठीक उसी के जितनी दूर पे वो टांके लगाए थे उतनी ही दूर पे इसको कई बार सिल देंगे इसके हुक में से। अब बैक साइड में आएंगे अंदर और यहाँ पर इसको नॉट दे देंगे। और इसको यहाँ पर ये जो हुक है ये जब हम खरीद के लाते हैं तो ये हल्के से ढीले होते हैं, तो इसको हम नोज़ल प्लास की मदद से हल्का सा टाइट कर देंगे, नहीं तो यहाँ से थ्रेड जो हमने टांका लगाया है वो निकल सकता है। तो इसको टाइट कर देने से ये यहाँ पर एकदम चिपक जाएगा और फिर नहीं निकलेगा। इसके बाद अब इसमें हम ये जो रिंग है इसको डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से मोबाइल कवर कमर वाला रेडी हो गया। अब इसको आप पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, घर में यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। और ये जो हुक है हमेशा ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, बहुत लोग यहाँ पे लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि ये तो हमारे कमर में रह जाता है लेकिन जो बैग है वो मोबाइल की वजन से आगे की तरफ भागने लगता है। तो इसको हमेशा ऊपर की तरफ सीध में लगाना चाहिए, इससे पूरा बैलेंस में रहता है। मैं आपको मोबाइल डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसको ये देखिए ये आगे बिल्कुल नहीं भागेगा इस तरह से, ये एकदम सीधा रहेगा। पीछे लगाने से वजन लेके मोबाइल जो केस है वो आगे भागने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने
और भी मोबाइल कवर रेडी किए हैं। इस तरह से ये तीन कलर में मैंने बनाए हैं और स्क्रीन पे मेरा नंबर रहता है और दोनों व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इसको ऑर्डर पे बनवाना चाहें तो ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। लोग बनवाते हैं, रीसेल करते हैं, अपने लिए भी बनवाते हैं, गिफ्ट के लिए भी बनवाते हैं, जैसे उनकी मर्ज़ी आती है वो अपना उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।